हाय प्रिटी फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बेस्टीज चैनल प्रिटी प्रिया टीवी। मेरे प्यारे सच्चे और अच्छे दोस्तों के लिए आज मैंने एक नाम सोचा है जो कि है प्रिटी पल्टन। इस पल्टन में आते हैं आप और मैं और मेरे प्यारे दोस्त। और अगर अभी तक आप मेरे दोस्त नहीं बने हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस प्रिटी पल्टन में शामिल होने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैंने खास आपके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर बनाई है। इस ऑयली स्किन के रूटीन के मैंने रखे हैं सिर्फ 3 स्टेप्स जो कि है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और अगर आप इस स्किन केयर रूटीन को पूरे दिल से अपनाएंगे तो आपको 2 या 3 ही दिनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस स्किन केयर रूटीन के बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसे पूरे दिन में 2 बार जरूर करें, एक सुबह उठने के बाद और एक रात को सोने से पहले। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजर यानी फेस वॉश बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन यानी ग्राम फ्लोर, 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी यानी फुलर्स अर्थ, 2 टेबल स्पून कॉफी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक यानी हल्दी। अब एक कांच की कटोरी में आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके डालें और फिर अच्छी तरीके से मिला लें और अब आपका फेस वॉश तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस क्लींजर को निकालें। अब इस क्लींजर को पतला बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिला लें। सबसे पहले आप अपना फेस प्लेन वाटर से धो लें। अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और हल्के हाथों से 5 मिनट तक रब कीजिए। ये फेस वॉश एक स्क्रब की तरह भी काम करता है, तो अगर आप इस फेस वॉश को यूज करते हैं तो आपको स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अच्छे से अपना चेहरा क्लीन करने के बाद आप प्लेन वाटर से अपना चेहरा धो लें। तो अब बारी है सेकंड स्टेप की जो कि है टोनिंग। तो टोनिंग के लिए आज मैं आपको टोनर्स के 3 ऑप्शन बता रही हूँ, उनमें से जो भी आपको पसंद हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 10 चम्मच पानी। अब एक कांच की कटोरी में आप इन दोनों को डाल लें और अच्छे से मिला लें। तो सेकंड टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए 1/2 कटोरी कुकुम्बर जूस यानी खीरे का रस और 1/2 कटोरी टमाटो जूस यानी टमाटर का रस। अब इन दोनों जूस को आप एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें और आपका टोनर तैयार है। थर्ड एंड लास्ट टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप बॉइल्ड वाटर यानी उबला हुआ पानी और 1 चम्मच ग्रीन टी। अब गर्म पानी से भरी हुई कटोरी में आप 1 चम्मच ग्रीन टी डालें। अब इसे ढक्कन की मदद से ढक लें और ठंडे होने तक का वेट करें। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो अब एक छन्नी की मदद से आप इस ग्रीन टी को छान लें और आपका टोनर तैयार है। आप इस टोनर को स्प्रे बोतल में रख सकते हैं ताकि शेक करने के लिए और स्प्रे करने के लिए दोनों में ही आसानी हो जाए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ग्रीन टी टोनर को ही यूज करें। अब फेस वॉश करने के बाद आप अपने पसंद के टोनर को अपने पूरे चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए और अच्छे से टैप कीजिए। अब इस टोनर के सूखने तक का वेट करें। तो अब बारी है हमारे लास्ट और थर्ड स्टेप की जो कि है मॉइस्चराइजर। अब टोनिंग के बाद आप अपनी पसंद की कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करे। तो ये था आज का इजी एंड इफेक्टिव 3 स्टेप्स वाला ऑयली स्किन केयर रूटीन। और अब बारी है टिप्स की। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ओवर क्लींसिंग ना करें, मतलब आप अपना चेहरा बार बार ना धोएं। ऐसा करने से आपकी स्किन का मॉइस्चर लॉस होगा जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज्यादा ऑयल सिक्रेट करने लग जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप फेस वॉश करने के बाद बर्फ से अपने पूरे चेहरे को अच्छे से रब कर लें। ऐसा करने से आपकी स्किन के पोर्स क्लॉग नहीं होंगे और साथ ही साथ आपकी स्किन से कम ऑयल प्रोड्यूस होगा। अगर आप मेकअप यूज करते हैं और ऑयली स्किन से आपका मेकअप खराब होता है तो आप अपने पास रखें ब्लॉटिंग पेपर्स। ये ब्लॉटिंग पेपर्स आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी स्किन को रखते हैं ऑयल फ्री। अगर आपको लगता है कि नाइट क्रीम लगाने से आपकी स्किन बहुत ही चिपचिपी हो जाती है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें और उसको अच्छे से रब करें। ऐसा करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और साथ ही साथ आपको चिपचिपापन भी महसूस नहीं होगा। और सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप बाहर धूप में जाएं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें कि सनस्क्रीन नॉन कॉमेडोजेनिक हो, मीन्स वो सनस्क्रीन जो आपकी स्किन के पोर्स जो है वो क्लॉग ना करे और आपके पिंपल्स ना हो। ऐसा करने से आपकी स्किन में स्पॉट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि एज स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को बनाएगा रिंकल फ्री और इवन टोन। तो ये थी आज की आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको प्रिटी पल्टन वाला नाम पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू। मेरे और भी यूनिक एंड डिफरेंट स्किन केयर वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे। फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।